सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। आज हम एक यूज़र रिव्यू देखेंगे और ये जो बाइक है मोस्ट पॉपुलर एंड ब्रांडेड यामाहा R15। जी हाँ, यूज़र मेरे साथ है, तो यूज़र से हम पूछेंगे इसका प्रोज एंड कॉन्स और उनका जो एक्सपीरियंस है इस बाइक के बारे में, वाइब्रेशन होता है कि नहीं और माइलेज कितना मिल रहा है, ये सब हम पूछेंगे। और आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप यामाहा R15 यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ हमें अपना जो एक्सपीरियंस है प्रोज एंड कॉन्स वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर भेज दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में वो ऐड कर सकूँ। तो चलिए बात करते हैं यूज़र से, जानते हैं इस बाइक के बारे में। और ये जो बाइक है मोस्ट पॉपुलर एंड ब्रांडेड यामाहा R15। हेलो सर, वेलकम टू खोज इंडिया। सर, ये गुड नेम शोविक कौर। शोविक कौर, ओके सर। आप ये बाइक यूज़ कर रहे हो यामाहा R15? यस। आप क्या कितना दिन पहले ये बाइक खरीदा है? 2012 तो 5 साल हो गया है। आप कितना किलोमीटर राइड किया है प्लीज़ दिखाएंगे हमें? हाँ श्योर। ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर आपने राइड कर चुके हैं। ओके सर, एक बात बताइए, 2012 में आपने ये बाइक खरीदा है, उसी वक्त ये 150cc सेगमेंट में और भी बहुत सारे बाइक थे, लेकिन आपने ये बाइक चूज़ किया, क्यों? एक्चुअली इसका स्टाइलिंग जो है ये बहुत बढ़िया था, परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था, और स्पेशली एट दैट टाइम जो बाइक्स थे उसमें से यही सिर्फ 6-speed गियर्स तो इसीलिए ऑन द हाईवेज मतलब ज़्यादा स्पीडों में 6 गियर में इट फील्स वेरी स्मूथ। ओके, तो आपका राइड बहुत अच्छा होता है, वाइब्रेशन बहुत कम होता है, एंड ओवरऑल इट्स अ लिटिल मॉन्स्टर। द इंडियन वर्जन ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए आपने ये बाइक खरीदा है। खरीदने से पहले आपने कोई और बाइक राइड कर रहे थे इससे पहले, या यही फर्स्ट बाइक है आपका? नहीं, मेरा एक और भी बाइक है, उसके पहले होंडा स्टैनर लिए थे, 125cc है जो। होंडा स्टैनर? हाँ जी, वो अभी भी है। वो अभी भी है आपके पास? ये एक परफॉर्मेंस बाइक, मतलब ये स्टाइल के लिए, स्टाइल है, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, BHP भी हाई है, नो डाउट। ओके सर, आपने ये बाइक जब खरीदा है तब प्राइस कितना था? लगभग 1,03,000 तभी प्राइस था। अभी तो यामाहा R15 वर्जन 2.0, ये तो वर्जन 1.0 वर्जन है, तो 2.0 निकला है और 3.0 भी निकलने वाला है, तो क्या इरादा है चेंज करने का है? 3.0 इज अ टोटली डिफरेंट वन, मतलब लुक्स में बहुत डिफरेंस है,
वो तो अभी लॉन्च हुआ नहीं इंडिया में, अगर लॉन्च होता है वो मतलब और भी अच्छा लगता है, बेटर परफॉर्मेंस इससे भी है तो जरूर सोचेंगे। R15 इज अ हिट सीरीज ऑफ ऑल। अभी R15 S भी आ गया है, वर्जन 1 का मतलब रिकम मतलब है, तो वो और इसके सिमिलरिटीज ऑलमोस्ट सेम ही है। बिल्कुल, अभी जो R15 वर्जन 2.0 है वो तो स्प्लिट सीट है, लेकिन वर्जन ये R15 S जो है वो यूनिबॉडी सीट है। इसी तरह इसका सीट भी यूनिबॉडी सीट है, राइडिंग कंफर्ट अच्छा है। ओके सर, शुरू से टायर से शुरू करते, इसका टायर ट्यूबलेस है? हाँ जी ट्यूबलेस है, ये दोनों टायर ट्यूबलेस है, दोनों टायर। कभी लीक हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है? हाँ जी। ओके, ट्यूबलेस टायर है। लीक होने के बाद गैरेज जाने तक आपको कितना टाइम लगा या फिर क्या एक्सपीरियंस है? आराम से टाइम मिल जाता है आपको, एक दो दिन तो मतलब आराम से हवा रह जाता है। आप अगर मतलब तभी नोटिस नहीं किए हो तो बाद में आप आराम से जा सकते हो। अगर घर में रहा तो? घर में रहा तो भी आप एक दो दिन बाद जाकर अपना मतलब ठीक करवा सकते हो। और अगर रास्ते पे जाते जाते लीक हुआ तो? रास्ते पे जाते जाते लीक हुआ तभी आपको ये मतलब धोखा नहीं देगा, हवा बिल्कुल निकल नहीं जाएगा, आपको दुकान जाने तक मौका जरूर देगा। मौका आपको मौका दिया? हाँ जी। और इसका रोड ग्रिपिंग कैसा है? रोड ग्रिप बहुत अच्छा है, आप इसको मतलब 100 के स्पीड के करीब भी आप मतलब फील होता है कि रास्ते में एकदम मतलब पकड़ के चल रहा है, मतलब देयर इज नो साइन ऑफ डिसबैलेंस एंड ऑल। मानसून में या मार्ट में ऐसा कुछ? ब्रेकिंग इसका बहुत अच्छा है, मतलब मानसून में स्कीड अगर आप मतलब लिटिल बिट केयरफुल हो तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा स्कीडिंग का और दूसरे और मतलब डिसबैलेंस का। ओके, आपके साथ कभी हुआ है स्कीडिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम? ऐसा तो नहीं हुआ है, मतलब हो सकता है कभी कभार मर्ड के ऊपर थोड़ा मतलब फिसल गया होगा, लेकिन इट वाज अंडर कंट्रोल। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ? नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, इसका सस्पेंशन के बारे में बताइए सर। सस्पेंशन इसका मोनोशॉक ऑब्जर्वर है, पीछे पीछे मोनोशॉक है, मोनोशॉक ऑब्जर्वर है जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है। आप ये मतलब पिलियन में भी अगर आप किसी को लेकर जा रहे हो तो मतलब किसी गड्ढे में अगर ये बाइक पड़ता है तभी ये मतलब ज़्यादा महसूस नहीं होता है, मतलब इसका जो सस्पेंशन है इट्स गुड। इसका जो मोनोसाइकल सस्पेंशन पीछे है वो अच्छा है, और सामने तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ओके, इट आल्सो वर्क्स वेरी गुड। सर आपने पिलियन के साथ राइड किया है ऑब्वियसली? हाँ जी। तो उसका कोई कंप्लेंट किया है, उन्होंने कोई कंप्लेंट किया है आपको? अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं किया है, मतलब जितना बार भी मतलब पिलियन में कोई गया है तो दे सेड इट्स अ कंफर्टेबल राइड। ओके, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सस्पेंशन ठीक ठाक है? सस्पेंशन ठीक ठाक है। सीट भी ठीक ठाक है? सीट भी ठीक ठाक है, मतलब ये कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है, ओके। सर इसका इंजन? इसका इंजन 150 सीसी का है, 16.8 BHP। ओके फाइन, आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं BHP और टॉर्क के बारे में, ये टॉर्क भी आपको मालूम है? टॉर्क मालूम था लेकिन अभी थोड़ा मतलब भूल गया हूँ, लेकिन द टॉर्क इज़ गुड। ओके, टॉर्क भी गुड है। ओके, तो अच्छा लगा आपको ये नॉलेज है इसीलिए जानने के बाद, थैंक यू। तो सर एक बात, इसका जो इंजन है आपने टॉप स्पीड कितने में राइड किया है? फॉर मी 110 टॉप स्पीड हाईवे में 110। कोई वाइब्रेशन? नहीं, उतना भी महसूस नहीं हुआ। 6 नंबर गियर में तो बिल्कुल स्मूथ होता है, 6 गियर में आपको ये बिल्कुल स्मूथ राइड देता है। ओके, और इसका कोई इंजन हीटिंग इशू है? इसका ऑयल कूल्ड इंजन है, मतलब हीट तो ज़रूर होगा गाड़ी जब चलेगा, लेकिन मतलब उतना जल्दी भी ठंडा हो जाता है बिकॉज इट्स ऑयल कूल्ड इंजन। ऑयल कूल्ड इंजन होने के कारण ओवर हीटिंग का अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे पास, ओवर हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका जो गियर है वो कोई नॉक किया है कभी? गियर सिस्टम उसका बहुत अच्छा है, वेरी स्मूथ। शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं? में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम। गियर पैटर्न क्या है? गियर पैटर्न है 1 down and 5 up। 1 down 5 up, न्यूट्रल 1 और 2 के बीच में? हाँ जी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है गियर्स को लेकर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप ये बाइक मतलब टाइम टू टाइम इसको सर्विसिंग वगैरह मेंटेन ठीक ठाक करें तो ये आपको कहीं भी प्रॉब्लम शायद नहीं देगा। सर आप इस बाइक को मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन है पीरियोडिकल सर्विसिंग, दैट इज आप मतलब डेली चला रहे हो तो 1600 to 1700 या फिर 1800 किलोमीटर्स के बाद आप मोबिल चेंज करवाइए। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक फ्लूइड्स जो है, ये पीछे में भी डिस्क है तो आप ये ब्रेक फ्लूइड्स जो है ये आपको ठीक से मतलब लेवल मेंटेन करना है। ऊपर से आफ्टर मॉनसून राइड, बारिश के बाद अगर आपको मतलब बाइक ठीक से वॉश करवाते हो तो मतलब ओवरऑल बॉडी भी ठीक रहेगा, एंड एयर प्रेशर ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी चेक्ड। आप ये सब करते हैं? हाँ जी। मैं आपका जो स्टैंडर्ड है वो बाइक में देखा था, मानसून में देखा था। अच्छा, अच्छा। आपको याद ही है उस दिन तो एक रेस्टोरेंट में मैं और सोबिक सर मिले थे कुछ दिन पहले, मैं आपको बता दूँ जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो उस वक्त
सोविक सर ने एक स्टैनर होंडा स्टैनर लेके आए थे, वो बाइक देख के ही मैं सोविक सर से अप्रोच किया था ये इंटरव्यू लेने के लिए। मानसून में कोई अपना बाइक इतना अच्छा रख सकता है वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। मुझे देखिए मेरा बाइक, मेरा जो स्कूटर है ये मानसून में 3 महीने हुआ है, कोई बताएगा? इसका धूल, इसको देखिए, ये शर्म की बात है, मैं ये मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन सोविक सर ने बहुत अच्छी तरीके से अपना बाइक को मेंटेन करते हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने मेंटेन किया। ओके, कभी पार्ट्स आपको मिल जाता है, कभी ज़रूरत पड़ा आपको स्पेयर पार्ट्स का? हाँ, स्पेयर पार्ट्स का ज़रूरत पड़ा है तो ऑलवेज यमहा का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, वहाँ से ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स लगाने सबसे मतलब ठीक बात रहेगा। वैसे मैं इसमें ज़्यादा कुछ मेरे को स्पेयर पार्ट्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, ऑयल फिल्टर एक बार चेंज किया मैंने और मतलब बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया। नहीं सर, इसका जो सर्विस है आप सर्विस कहाँ से करवाते हैं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर या फिर दूसरे कहीं? ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हाँ? वो मतलब एक्सपीरियंस है उन लोगों का, वहाँ का जो टेक्नीशियंस है तो वो मतलब प्रॉब्लम ठीक से मतलब समझ सकते हैं, कर सकता है और उसको आराम से मतलब ठीक कर सकता है, तो इट्स बेटर टू सर्विस फ्रॉम द ऑथोराइज सर्विस सेंटर। आफ्टर फ्री थ्री सर्विस आपने कितने टाइम बाद ये सर्विस करवाते हैं? एक्चुअली वो उन लोगों का सर्विस बुक में लिखा हुआ था किलोमीटर, सर्टन किलोमीटर और सर्टन टाइम, जो आगे आपका हो तो उसी मतलब हिसाब से वो सर्विसिंग किए थे। वो तो फर्स्ट थ्री सर्विस जो था, सर्विस हाँ, उसके बाद जो पेड सर्विस करवाए वो एवरी 1600 टू 1800 किलोमीटर्स के बाद, चेंजिंग द इंजन ऑयल एंड मेंटेनिंग द ब्रेक फ्लूइड्स, वॉशिंग द बाइक, आप ये करवाते हैं? हाँ जी। ओके, आपका बाइक कभी गिरा है? हाँ, एक दो बार तो गिर चुका है, मतलब स्टैंड में रखा हुआ था, थोड़ा हल्का बहुत स्क्रैचेस यहाँ पर है, आप जो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्क्रैच हो गया है और ये टूटा भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ जी, टूटा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओनली स्क्रैचेस पर ही मतलब। ये फाइबर का है? फाइबर का है, लेकिन हाई क्वालिटी फाइबर है, अच्छा ही दिया है, मतलब जो गिरने के बाद भी क्रैक भी नहीं आया बिल्कुल। ये भी फाइबर का है, पूरा सामने वाला बॉडी, पूरा सामने वाला बॉडी फाइबर का है, फाइबर का है। ओके, तो इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉकिंग नहीं है, हीट ओवर हीटिंग नहीं हो रहा है? इट्स अ वेरी वेल ट्यून्ड इंजन। जाते जाते कभी बंद हो गया है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो ट्यूनिंग है इंजन का वो अगर आपका ठीक रहेगा तो मतलब चलते चलते स्टार्ट बंद होने का ये मतलब प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका माइलेज? माइलेज आपका मतलब हम लोग का यहाँ का लोकल रोड कंडीशंस जो है इसमें आपको मैक्सिमम 32 किलोमीटर्स पर लीटर माइलेज आ रहा है, एंड ऑन द हाईवेज ये आराम से आपको 38-40 किलोमीटर्स पर लीटर माइलेज दे रहा है। ओके सर, आपने एक साथ एट ए स्ट्रेच विदाउट एनी हॉल्ट कितने किलोमीटर राइड किया? वो तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स ऑलमोस्ट 100 करीब किलोमीटर्स करीब। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं जी। इंजन का कोई आवाज़? नहीं, इंजन का भी कोई साउंड नहीं था, ओवर हीटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्टार्ट बंद होने के बाद स्टार्ट फिर से नहीं ले रहा, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एग्जॉस्ट साउंड हमें सुना सकते हैं आप? श्योर। सर परफेक्ट। ओके सर, इसका ब्रेक्स, हाँ इसके बारे में बताइए। ये तो ड्यूल डिस्क ब्रेक है, सामने और पीछे, हाँ। इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बताइए। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपके सामने अचानक कुछ आ जाता है तो आप ब्रेक करते हो और आपका स्पीड रिजनेबल में है तो आराम से आप उसको मतलब सेफ डिस्टेंस में अपना गाड़ी रोक सकते हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज गुड, अच्छा है, हाँ जी। लेकिन ए बी एस होता तो क्या होता?
EVS होता तो शायद कुछ डिफरेंस और होता, मतलब स्कीडिंग का जो आपका मेन प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा कुछ आप अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी यामा जो R15 वर्जन 3.0 जो निकलने वाला है उसमें आप EVS ऑप्शन चाहते हो? हाँ, अगर वो होता है, क्योंकि मैंने सुना है उसका BHP थोड़ा हाई हो सकता है, 19 BHP पे करीब होगा, तो इट्स फॉर सेफ्टी। ABS अगर आप इसको लगाते हो तो मतलब सेफ्टी का मतलब ये जो है और बढ़ेगा, परफॉर्मेंस भी शायद उसका और भी अच्छा होगा। ओवरऑल R15 का जो मतलब ये मतलब जनरेशन है वो मतलब शायद और बेटर परफॉर्मेंस उसमें होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रेफर करता हूँ, हमेशा मैं अपना व्यूअर और सब्सक्राइबर को यही बताता हूँ, बाइक लेना चाहिए ठीक है, जब भी आप 150 सीसी के ऊपर जाओ तो ABS तो अभी सुजुकी जिक्सर SF में भी आ गया है, तो 150 के ऊपर ABS होना चाहिए। मैं अभी बहुत डिसअपॉइंट हूँ, यह हम फेजर जो 250 सीसी का जो अभी निकला है, लॉन्च हुआ है, मैंने वो रिव्यू किया था, उसमें ABS नहीं है। 250 सीसी का बाइक विदाउट ABS क्या है? सही है, शायद ठीक नहीं है, शायद ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड फिटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, अबव 150 के ऊपर जो बाइक्स आ रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड ABS जरूर लगाना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द राइडर्स। बिल्कुल, तो आप ये मेरे साथ एग्री करते हो ना? हाँ, कि अभी जो नया बाइक 150 सीसी के ऊपर बाइक खरीदने जाए तो वो विद ABS प्रेफर करे? हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, जो रोड कंडीशंस है उसमें से ABS तो होना मतलब इट्स गुड एडवांटेज है आपके। बिल्कुल, अपना सेफ्टी के लिए जरूर ABS बहुत ही जरूरी है। तो इंजन इज गुड, सस्पेंशन इज गुड, राइडिंग कम्फर्टनेस अच्छा है, तो सब कुछ, टायर भी ठीक है, रोड ग्रिपिंग अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने कुछ चेंज करने का मौका दिया, अगर आपको दिया होता तो कोई भी एक चीज़, तो क्या शायद इसका व्हील बेस थोड़ा और मतलब बड़ा होने से बैलेंस ऐसे में ठीक है, लेकिन मतलब और भी थोड़ा मतलब लुक में भी थोड़ा शायद अच्छा होगा। हाँ, और बैलेंस भी तो ज़रूर उसका मतलब ठीक होगा, व्हील बेस जो है मतलब वो अगर थोड़ा और मतलब व्हील बेस थोड़ा और ज़्यादा होने से आपका, हाँ मतलब वो बाइक थोड़ा बिग लुक भी होगा उसमें और मतलब बैलेंस भी उसमें अच्छा होगा। तो आप चाहते हो कि व्हील बेस थोड़ा और मतलब थोड़ा बड़ा करे? ओके, तो सब कुछ अच्छा बताया सर। हाँ, कोई भी तो बुरा होगा, कोई भी तो कौन से, कोई भी डिसएडवांटेज है, कोई माइलेज क्या है? शायद थोड़ा मतलब जो सिटी में, हाँ, सिटी में माइलेज थोड़ा और ज्यादा हो तो मतलब इकोनॉमिकल भी होगा, मतलब 32 जो मिल रहा है आपको, 29-31 ऐसे मतलब ऐसे आपको मिल रहा है, तो आप नियर अबाउट 40 चाहते हो? एटलीस्ट 35+35+, तो माइलेज की माइलेज थोड़ा और ज्यादा मतलब यही कौन से बस, और कोई डिसएडवांटेज इस बाइक के ऊपर फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, बिकॉज़ आई एम इन लव विद माय बाइक। ओके सर, एक बात पूछना है। हाँ जी, आपने होंडा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, अभी ये यामा R15 भी यूज कर रहे हो, अच्छा, दोनों कंपनी का जो इंजन टेक्नोलॉजी है, जो इंजन है, हीटिंग इशू बोलिए या फिर नॉकिंग इशू बोलिए, आपको दोनों में से डिफरेंस क्या लगा है और कौन सा अच्छा है? स्टर्नर जो है वो आप डेली यूज़ करने वाले बाइक में से है, और ये R15 जो है ये आपका मिनी परफॉर्मेंस बाइक है, इसका BHP है, उसका BHP लो है, ये 150 सीसी का है, वो 125 का है, दिस इज ऑयल कूल्ड, दैट इज एयर कूल्ड, लेकिन फिर भी वो मतलब होंडा का जो इंजन है इट्स ऑल्सो वेरी वेल ट्यून्ड इंजन, जो मतलब इससे भी ज़्यादा चला हो लेकिन उसमें भी मेरे को अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, और जो है मतलब परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा है, माइलेज भी उसका अच्छा है, वो 5-speed गियर वाला बाइक है, सो नथिंग मच डिफरेंस एक्सेप्ट द पावर ऑफ द, बिल्कुल, तो दोनों अपने अपना सीसी के हिसाब से वो ठीक ही है। हाँ हाँ, ओके, तो ये रहा यामा R15 के बारे में, अच्छा बाइक है सर। ये बाइक आप और कितने दिन रखना चाहते हो? जब तक इससे बेटर कुछ ऑप्शंस नहीं आ जाते, या फिर R15 वर्जन 3 जो आप बोल रहे हो, हाँ? तो मैं नेट में भी देखा उसका मतलब जो कॉस्मेटिक लुक है, मतलब जो वो मतलब बहुत ही इंप्रेसिव है, अगर वो सच में इंडिया में आता है तो फिर सोचकर जरूर देखूंगा कि ये अपग्रेड करना है क्या नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे मैसेजेस ये वर्जन 3.0 के लिए है, हाँ, लेकिन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, अभी तक तो देखते हैं कब लॉन्च होते हैं, और वो तब आप चेंज करोगे, वरना तो मतलब यामा में जाओगे आप? हाँ, ये तो इच्छा है। तो दूसरा कोई कंपनी में आप नहीं जाओगे, स्विच नहीं करोगे? होंडा है मेरे पास जो, हाँ, यामा का मतलब इसका परफॉर्मेंस से मैं बहुत ही मतलब प्लीज्ड हूँ, okay. तो इसका भी और एक अच्छा वर्जन आ जाता है तो जरूर फर्स्ट प्रेफरेंस उसी में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल
सर हमारा कोई व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर अगर नया जो यामा वर्जन अभी चल रहा है वर्जन 2.0 तो वो अगर खरीदना चाहे तो आप क्या बोलोगे, यामा खरीदना चाहिए R15 या फिर नहीं? R15 वर्जन 2 में आपके पास दो है, एक है विद स्प्लिट सीट और एक है जो R15 एस बोल रहे हैं। वो R15 एस जो है दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज एज वेल एज द फैमिली यूज, मतलब वो सीट जो है वो आप में कंफर्ट ज्यादा है। R15 वर्जन 2 का जो स्प्लिट सीट है उसमें इट्स गुड फॉर द यंग गाइस जो मतलब के स्टाइल ज्यादा प्रेफर करते हो, और मतलब पीछे का पिलियन जो राइडर है मेरे ख्याल से शायद उसको उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा जिसको वो यूनिबॉडी सीट से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और स्प्लिट सीट में एक अगर हमारा पापा मम्मी या फिर अंकल कोई भी बैठना चाहे तो वो बैठेगा ही नहीं, वो देखते ही डर जाएंगे। इसीलिए अगर आपको पूरा स्टाइल चाहिए तो आपको वर्जन 2 स्प्लिट सीट के लिए जाना पड़ेगा, और अगर आप फैमिली पर्पस के लिए भी यूज करना चाहते हो और स्टाइल भी चाहते हो तो R15S जो अभी मार्केट में नया है यू कैन गो फॉर दैट। बिल्कुल, ये सीट की वजह से। वैसे इंजन परफॉर्मेंस लुक्स तो ऑल द सेम, सिर्फ ये सीट का ही फंडा है, सीट का फंडा है और उसका मतलब सीट हाइट जो मतलब सैडल हाइट बोलता है वो थोड़ा उसके ऊपर है। बिल्कुल सर, इसका हेडलाइट कैसा है? हेडलाइट का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है, हैलोजन बल्ब्स इसमें यूज किया जाता है तो रात को अच्छा विजिबिलिटी बहुत है। ऑन करके प्लीज। रात में विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आराम से मतलब चीज आपको नजर आता है सामने इसका लाइट में। ओके, सर आप बाइक के बारे में काफी नॉलेज रखते हो, खोज इंडिया देखते हो क्या? खोज इंडिया अभी वो यूट्यूब में कुछ दिन पहले मैंने देखा है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, यू शुड कीप इट ऑन। और भी मतलब बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आते हैं तो हम लोग जैसे बाइक एंथुजियास्टिक है तो उन लोगों के लिए मतलब ये अच्छा है और नॉलेज भी गेन हो सकता है वहाँ से, और काफ़ी लोग मतलब दे कैन गो फॉर मोर एंड मोर बाइक्स, रिव्यू देखने के बाद वो अपना डिसीजन भी ले सकता है। बिल्कुल, कौन सा बाइक लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जैसे राइडर अगर हम अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे देंगे तभी खोज इंडिया जैसे चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। थैंक्स सोविक सर, आपने टाइम दिया। आपने मैंने आपको फ़ोन किया था, मैं आपका पीछे पड़ा था, और एक जो स्टैनर है होंडा स्टैनर वो तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको ज़रूर नॉक करूंगा। और इस बाइक के बारे में बहुत सारे सवाल शायद आएंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल पे कमेंट बॉक्स पे वो आंसर देने की प्लीज़ कोशिश करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नो मेंशन, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स। और हाँ, खोज इंडिया देखना बिल्कुल मत भूलिए सर। नहीं जी, जरूर देखेंगे यूट्यूब में खोज इंडिया, आफ्टर ऑल इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय यू, यू शुड कीप इट ऑन। थैंक यू सर। तो देखा ना आपने, यह हमारा R15 का यूजर रिव्यू, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स बटन दे दीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी मुलाकात होंगे अगले वीडियो में, लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप R15 यूज़ कर रहे हो कोई भी वर्सन तो प्लीज़ हमें अपना जो एक्सपीरियंस है आपका, जो प्रोज कॉन्स कुछ भी आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा वो ऐड करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मुलाकात होंगे अगले वीडियो में कोई नया बाइक या नया स्कूटर या फिर ऐसे ही कोई यूजर रिव्यू के साथ। तब तक खोज इंडिया देखते रहिए, और राइड करते वक्त अपना हेलमेट हमेशा पहन लिया कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।